ओके गाइस, बार्बरीन्स अटैक हुआ है भाई हमारे गांव पे वापस से भाई। बहुत ज्यादा टाइम लग गया इसको मैनुअल बनाने में, कितना मजा आ रहा है। एंड लास्ट नॉट लीस्ट, सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है एक और नए एपिसोड में ऑल द मोट 6 के। तो कैसे हैं आप सभी लोग, आई होप कि सब बढ़िया होंगे। तो यार कुछ टाइम से भाई मैं वीडियोस नहीं डाल रहा हूँ, मतलब डाल रहा हूँ बट रुक रुक के आ रही है, एक दिन रुक के ऐसे। तो यार सभी को यार मैं बता दूँ कि हमारे घर में भाई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, मतलब थोड़ा घर के टूट फूट है वो ठीक करवा रहे हैं, प्लास्टर वगैरह हो रहा है। तो वो ठीक हो जाएगी तो डेफिनेटली कंटिन्यू वीडियोज़ आएंगी गाइज। और यार मुझे थोड़ा काम भी हो जाता है ना, क्योंकि घर में काम करने वाले हैं नहीं, बड़ा मैं ही हूँ, तो वो सब देखना पड़ता है गाइज, तो इसलिए वीडियोज़ लेट हो जाती है। तो उसके लिए सॉरी गाइज, दिल से सॉरी भाई। तो क्या कर सकते हैं भाई, घर का काम भी देखना है ना। सो गाइस यार ये 20 का टेक्सचर है ना, बड़ा ही सही लगा मुझे अपडेट के बाद। सही बताऊं तो देखो क्या मस्त लग रहे हैं, एकदम क्रिस्टलाइज हो रहा है, चलो बढ़िया है। बाकी मेरे पास यार काफ़ी सारा प्रोडक्शन हो चुका है बी की तरफ से भी, और मैं काफ़ी हद तक मतलब अपना विलेज भी अपग्रेड कर चुका हूं। और अभी तो इसको और अपग्रेड करना है यार, क्योंकि वहां पे देख रहे हो यूनिवर्सिटी भी मैं अपग्रेड कर रहा हूं अभी फ़िलहाल के लिए। चलो अभी यार उसको चीज़ें मैं बना के दूंगा नहीं, मतलब जो हमारा कंस्ट्रक्शन वर्कर है जो भाई हमारे गांव को बनाता है यानी कि बिल्डर, तो उसको अभी सामान बाद में देंगे। और शायद मैंने गाइस आप लोगों को ये दिखाया था कि मैंने जो इंचेंटेड बुक वाला सामान था वो सब यहाँ रख दिया है, और ये कुछ फैंसी दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे बुक सेल्फ लगाए हैं, और यहाँ पे 4 एनविल रखे हैं मैंने, और यहाँ पे अब मैं अपने इंचेंटेड सामान रखा करूँगा, मतलब जितना भी मुझे इंचेंटेड सामान मिलेगा रखा करूँगा। क्या यार चलो रख ही देता हूँ मैं, यहाँ पे मुझे कुछ बुक्स वगैरह मिली हुई हैं, ये सामान इधर ही रहने देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। और ये नेदर स्टार मैंने इसमें डाल दिया था गलती से अपने बैकपैक में, इसको निकाल लेता हूँ। और भाई ये एनविल जाएगा यहाँ पे, ठीक है भाई। तो मेरे पास बहुत सारे एनविल हो गए, 5 एनविल हो गए हैं। और यार उसके अलावा आप मेरे इन्वेंट्री में देख रहे हो भाई, एक ऑल द मोडियम इनगट पड़ा हुआ है, एक नेदर स्टार पड़ा हुआ है। तो ये मैं कहाँ यूज़ करने वाला हूँ आप लोगों को बता देता हूँ भाई। सबसे पहले तो मैं अपने मो फार्म में जाने वाला हूँ, और यार अभी एक्सपी का जुगाड़ नहीं किया यार, मैंने कुछ मिल नहीं रहा है इसके लिए, बट देखना पड़ेगा जल्दी। एक तो यार रोज़ की रोज ऑल द मोड के भाई पता नहीं क्यों यार यहाँ पे, पहले तो मैं ये डाल देता हूँ, इसको बंद करते हैं। ओके सो गाइस देखो, नेदर स्टार मैं क्यों डालने वाला हूँ भाई, नेदर स्टार से ये क्या होता है कि जब मैं यहाँ से चला जाऊँगा ना तब भी ये स्पॉन होते रहेंगे, मतलब ये प्लेयर को हाइड कर देती है। और ऑल द मोडियम इनगट मैंने इसमें इसलिए डाला क्योंकि ये कोई भी हो, अंधेरा हो रात हो, ये स्पॉन होंगे ही होंगे, मतलब ये इन्वायरमेंट को हाइड कर देता है आसपास के। और नेदर स्टार जो है भाई हम जैसे यहाँ खड़े हुए तभी ये स्पॉन हो रहे हैं ना, अब हम दूर चले जाएंगे तब भी वो स्पॉन होंगे, तो ये चीज़ बढ़िया है भाई, मतलब अब वो स्पॉन होंगे ही होंगे, ठीक है भाई। तो गाइस आप लोगों को जैसे कि पता है भाई, हम सभी की सभी चीज़ें अपनी कॉल जनरेटर से चला रहे हैं, देख रहे हो, मतलब हर जगह कॉल जनरेटर मिलेगा आपको। देखो यहाँ पे भी कॉल जनरेटर है, ये रहा, हर जगह कॉल जनरेटर मिलेगा आपको। थोड़ा माना मैं इकट्ठा कर लेता हूँ अभी गाइस, माना भी कितना जल्दी जल्दी भर रहा है भाई। और यार मैंने एक चीज़ नोटिस की कि मैंने अपने स्वॉर्ड में से जो अनब्रेकिंग वाली इंचेंटमेंट थी वो भी निकाल दी यार गलती से, तो यार मैं एक स्टेला बना लेता हूँ। तो ये है भाई अनब्रेकेबल स्टेला, ये बना के एक डाल देता हूँ अपनी स्वॉर्ड के अंदर, तो ये अनब्रेकेबल हो जाएगी वापस से, ठीक है भाई। चलो नाइस, ये अनब्रेकेबल हो चुकी है फिलहाल तो। और अभी और स्टेला की मुझे ज़रूरत नहीं है। और यार एक बंदा कह रहा था मुझे आप अपने जेट पैक में भी अनब्रेकेबल स्टेला डाल लो, तो यार कोई फ़ायदा नहीं है डालने का स्टेला, क्योंकि भाई ये एनर्जी से चार्ज होता है। और मैंने एक चीज़ और नोटिस करी कि मैंने अपना फायर चार्म भी नहीं डाला अपने इन्वेंट्री में, तो यार वो फायर स्कल था ना, जो क्या नाम था उसका, स्कल ही था शायद उसका नाम, हाँ ये रहा स्कल, ऑब्सीडियन स्कल। तो यार वैसे देखो मैं इसको रखूँ अपने पास या ना रखूँ, क्योंकि भाई मैंने जो अपने अपने आर्मर्स में भाई इन सब में मैंने भाई फायर प्रोटेक्शन डाला हुआ है, जैसे कि आप देख लो फायर प्रोटेक्शन 5 है, तो मतलब जल्दी से मेरे को फायर का असर नहीं होने वाला, तो मैं उसको रखूँ अपने इन्वेंट्री में या ना रखूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो भाई आज हम एनर्जी का जुगाड़ करने वाले हैं गाइस, और एनर्जी का जुगाड़ के लिए मुझे कुछ सामान लेना होगा। सबसे पहले तो भाई मुझे बहुत सारा कोल चाहिए होगा, बहुत सारे से मेरा मतलब है ज़्यादा भी नहीं लेकिन बहुत सारा, ठीक है भाई। तो इस कोल को जब हम फर्नेस में डालते हैं तो अपने को एक चीज़ मिलेगी जो कि है ग्रेफाइट।
ग्रेफाइट आप लोगों को पता हो तो भाई ग्रेफाइट एक तरह का चारकोल ही होता है, जैसे आप ग्रेफाइट देखते ना उसकी पेंसिल वगैरह भी बनती है, तो ये ग्रेफाइट है जिससे हमारी चीज़ें बनेंगी। आज हम गाइज एक रिएक्टर बनाने वाले हैं। रिएक्टर से मेरा मतलब है कि एक ऐसी चीज़ बनाने वाले हैं जो कि रिएक्ट करेगी और रिएक्ट करने से एनर्जी बनाएगी। जैसे कि आप लोगों को पता है भाई जब ठंडा और गर्म आपस में रिएक्ट करते हैं तो थंडर होती है और बारिश हो जाती है, आप लोगों ने देखा होगा नेचर में। मतलब जब आप लोगों को पता हो कि भाई बारिश कैसे आती है तो मैं आप लोगों को बता दूं, जब ठंडी और गर्म हवा आपस में मिलती है तो रिएक्ट होता है और रिएक्ट होने के बाद थंडर निकलती है यानी कि बिजली निकलती है और बारिश हो जाती है। तो इसी तरीके का कुछ रिएक्टर हम बनाने वाले हैं जो कि भाई हम ठंडा गर्म तो नहीं करेंगे उसको, लेकिन उसके अंदर कुछ सामान डालेंगे जो सामान डालने के बाद वो रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके बिजली पैदा करेगा और वो बिजली हम यूज़ करेंगे। तो इसके लिए भाई एक रिएक्टर बनाने वाले हैं, जिसके लिए सबसे पहले तो भाई हमें केसिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें यूरेनियम, ग्रेफाइट और आयरन का यूज़ होने वाला है, यानी इसकी आज हमें बहुत सारी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो हम ले लेते हैं ऑलमोस्ट मैं 14 केसिंग ले लेता हूँ, बाकी की रख देता हूँ। तो सबसे पहले तो गाइज बनेगा हमारा रिएक्टर फ्यूल रोड, तो ये हमें चाहिए होगी, एक ले लेता हूँ फिलहाल के लिए। हम एक छोटा रिएक्टर बनाएंगे लेकिन वो बड़ा काम करेगा, तो एक बना लेते हैं रिएक्टर एक्सेस पॉइंट। तो ये जो पॉइंट है भाई ये हमें दो चाहिए होंगे यार, क्योंकि ओके हमारे पास चेस्ट नहीं है, चेस्ट बना लेता हूँ मैं थोड़ी सी। अब ये पॉइंटर क्या काम करते हैं गाइस, ये पॉइंटर ही हमें इनपुट और आउटपुट प्रोवाइड कराएंगे। तो ये दो ले लिए मैंने, एक रिएक्टर कंट्रोलर लेंगे हम, कंट्रोलर होना बहुत ज़रूरी है भाई, इसके बगैर तो काम ही नहीं होगा। एक लेंगे पावर टैप, ये रहा पावर टैप, और एक मेन चीज़ लेंगे टर्मिनल, इस टर्मिनल के बगैर वो पूरा रिएक्टर ही नहीं चलेगा। चलो भाई ऑलमोस्ट सभी चीज़ें गाइज हमारे पास आ गई है, अब हमें थोड़े से केबल भी लेने होंगे। तो गाइज इसमें दो तरह के केबल बनते हैं एनर्जी के, तो एक तो गाइज ये बनता है एनर्जी केबल, ठीक है। इसको बनाने के लिए भाई हमें ये चीज़ें बनानी पड़ती है, जिसके लिए भाई ये डायरेक्ट आई पेस्ट बनाना पड़ेगा, और ये पेस्ट लावा से और कोल से बन जाता है वैसे, और ब्लेड से भी अब बना सकते हो लेकिन ब्लेड से थोड़ा कम बनता है। और एक पाइप है जो कि आसानी से बन जाता है भाई कुछ इस तरीके से, जिसके लिए बस हमें ये बनाने होंगे थोड़े से, और 8 केबल तो हमारे बन ही जाएंगे। चलो 8 केबल हमारे आ गए हैं, और हमें 2 होपर चाहिए होंगे, 1-2 और 2 चेस्ट चाहिए होंगी। यार चेस्ट मेरे पास पड़ी है क्या, कोई आयरन चेस्ट पड़ी हो या फिर चलो नॉर्मल चेस्ट हमारे पास, तो 2 चेस्ट चाहिए होंगी हमें, ठीक है भाई। ओके गाइस तो भाई ऑलमोस्ट हमारे पास सारा सामान आ गया है, तो अब हम बना लेते हैं अपना रिएक्टर। और सामान तो वैसे आसानी से बन गया, अब देखते हैं रिएक्टर भी आसानी से बन पाता है क्या नहीं बन पाता। क्यों ना मैं रिएक्टर को इधर बना लूँ, क्योंकि यहाँ पर जगह थोड़ी सी खाली पड़ी हुई है। चलो गाइस मैं रिएक्टर को ऐसा करता हूँ यहीं बनाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना जगह खाली पड़ी हुई है, तो मैं ये 3x3 का बना लेता हूँ। और मैं ऐसा करता हूँ क्यों ना मैं इसको ज़मीन के नीचे बनाऊँ भाई, तो ये और बढ़िया लगेगा। तो एक 3x3 की जगह खोद लेता हूँ मैं, ठीक है भाई। ओके 1-2-3 और एक यहाँ लगाओ, रुको मुझे ये लगता है और लानी पड़ेंगी, ये केसिंग मुझे और लानी पड़ेंगी क्योंकि कम पड़ेंगी, ठीक है। वैसे चलो बाकी की मशीन तो बिल्ड कर ही लेते हैं हम भाई, ये पाइप बीच में लगता है यहीं से ही रिएक्ट होगा हमारा सामान, सबसे ऊपर लगेगा भाई हमारा ये रिएक्ट कंट्रोलर रोड, और इसके साइड में आउटपुट इनपुट, और एक लगेगा भाई रिएक्टर टैप। तो इसको हम लगा देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लगेगा हमारा मेन चीज़ रिएक्टर कंट्रोलर, और अब बाकी की जगह पे लग जाएंगे भाई ये केसिंग, ठीक है। केसिंग थोड़ी कम रह गई है, मैं लेके आता हूँ। और चलो मैंने 20 केसिंग बना लिए, आई नो मैंने थोड़ी ज़्यादा केसिंग बना ली है, लेकिन मैंने ज़्यादा इसलिए बनाएगा इस क्योंकि हम इस रिएक्टर को बहुत ज़्यादा बड़ा भी कर सकते हैं गाइस, समझ रहे हो, बड़ा से मेरा मतलब है बहुत बड़ा। तो गाइस ये अपने डिज़ाइन में आ गया है, जैसे ये कंप्लीट होता है ये अपने डिज़ाइन में आ जाता है। तो यहाँ से भाई इसको ऑन ऑफ किया जाता है, ये सब चीज़ें हैं, जैसे कि अभी देख रहे हो आप स्टेटस ऑफलाइन है, तो इसको हमें ऑनलाइन करना होगा। बट ऑनलाइन करने से पहले भाई हमें इसके अंदर जो है फ्यूल डालना होगा, और इसके अंदर हम फ्यूल डाल सकते हैं यूरेनियम। हम यूरेनियम इकट्ठा नहीं करते थे बट अभी ज़रूरत पड़ रही है भाई, देख लेता हूँ पहले मेरे पास कितना यूरेनियम है। मेरे पास 12 यूरेनियम है, ठीक है भाई, बट मेरे पास यूरेनियम और है,
तो अभी मैं क्या करता हूँ गाइस, इस यूरेनियम ओर का यूरेनियम बना लेते हैं और इसको मैं क्रश कर लूँगा तो ये डबल हो जाएगा। तो ये चीज़ सही है, फिर डबल हो जाएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा अपने लिए। और बाकी इसमें भी है थोड़ा यूरेनियम डस्ट, तो इसको भी हम बना लेते हैं यूरेनियम। ठीक है भाई, अब इसका ये 48 यूरेनियम अपने पास आ जाएगा। बाकी इसके अंदर भी बन रहा है, इसके अंदर से कोल ख़त्म हो गया है, कोल डालना पड़ेगा भाई। ये कोल का झंझट ही ख़त्म कर दूंगा मैं अब धीरे धीरे, मैं ये कोल का झंझट ही ख़त्म कर दूंगा भाई। मैं बनाने वाला हूँ अब एक एनर्जी का सोर्स, वो भी बहुत तगड़े वाला। चलो भाई इसको होने देते हैं। बाकी यहाँ पे हमारा यूरेनियम इनगट आ गया है, तो 60 यूरेनियम मेरे पास आ गया है भाई। अब मुझे यहाँ पे देखो गाइस, ये इनपुट और आउटपुट इसका सेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये इनपुट हो रखा है, तो ऐसा करता हूँ मैं यहाँ पे एक होपर लगा देता हूँ इस तरीके से, और इसके ऊपर लगेगा एक चेस्ट इस तरीके से। मैं चाहूँ तो सिंगल भी लगा सकता हूँ, बट डबल लगा लेते हैं भाई, क्या दिक्कत है। और यहाँ पे भी सेम चेस्ट, ओके। तो ये इसको कर देते हैं इनपुट, चलो इसको भी इनपुट कर देते हैं हम, ठीक है। और जो यार पीछे मुझे यार दीवार हटानी पड़ेगी यार एक, चलो अंदर से हटा देंगे हम, है ना। ओके मैं इसको एक यहाँ से तोड़ देता हूँ ताकि मुझे याद रहे कि कौन सी दीवार हटानी है भाई। ठीक है भाई, ठीक है, मैंने कुछ तोड़ा तो नहीं, ठीक है नहीं तोड़ा। ओके गाइस, तो यहाँ से मैं केबल ला सकता हूँ, ये रहा, यहाँ से हम केबल ला सकते हैं भाई। अभी तो फिलहाल जीरो आ रहा था क्योंकि मैंने इसको एक्टिवेट नहीं किया है, तो अभी गाइस हमें इसको एक्टिवेट करना होगा। बट यहाँ पे हम थोड़ा सा यूरेनियम इनगट डाल देते हैं, तो देख रहे हो इसके अंदर जाना शुरू हो गया है, और बाकी का हम इधर डाल देते हैं। तो देख रहे हो आप इसके अंदर जो है भाई पावर आना शुरू हो गया, इसने रिएक्ट करना शुरू कर दिया है। और गाइस इसमें कुछ टेम्परेचर वगैरह भी होते हैं, उन टेम्परेचर्स को हमें मेंटेन करके रखना पड़ता है, वरना ये ब्लास्ट भी हो जाता है। तो फिलहाल इसको एक्टिवेट करते हैं। तो एक्टिवेट गाइस ये हो चुका है, यानी कि स्टेट इसका ऑनलाइन हो चुका है। और वेस्ट इजेक्शन, ओके, इसमें वेस्ट इजेक्शन भी होता है क्या? तो मुझे एक आउटपुट करना होगा इसके अंदर से, जैसे कि मैं यहाँ पे ये जैसे इनपुट है तो इसको आउटपुट कर देता हूँ। ये वेस्ट के लिए हो गया है, तो इसका मतलब जितना भी वेस्ट निकलेगा ये आउटपुट कर देगा। यहाँ से इनपुट ले लिया है इसने और यहाँ से ये आउटपुट करेगा। तो फिलहाल मैं ये वाला यहाँ डाल देता हूँ क्योंकि यहाँ से तो इनपुट है और ये आउटपुट हो जाएगा। वेस्ट में मुझे पता नहीं गाइस क्या निकलता है इसके। और गाइस अभी देखो आरएफ बनना शुरू हो गया है, अभी फ़िलहाल ये 26 आरएफ 260 आरएफ बना रहा है फ़िलहाल के लिए। तो और अभी के लिए यार इतना काफ़ी है, मतलब एनर्जी का जुगाड़ हमारा हो गया है भाई। सो गाइस यार एनर्जी का जुगाड़ तो हो गया है, अब यहाँ पे लगाते हैं हम केबल और देखते हैं भाई कितना पावर ये देता है भाई। सबसे पहले तो हम ये क्या है, इंचेंटर है क्या ये? तो इंचेंटर में ही हम एनर्जी डाल देते हैं। पहले मैं यार अंदर से जाके ना कोल जनरेटर को हटाता हूँ ताकि पता तो चले भाई हमें सब चीज़ों को एनर्जी दे भी पा रहा है कि नहीं दे पा रहा। तो ये रहा इंचेंटर, ठीक है भाई। तो ये कोल जनरेटर को मैं हटा देता हूँ यहाँ से, क्योंकि ये दोनों ही कोल जनरेटर हटेंगे भाई अब। ओके, तो मैंने यहाँ पे दो कोल जनरेटर लगाए हुए थे। चलो भाई अभी क्या करने वाला हूँ गाइस, मैं इसको हटा के और इसको हटा के मैं लगाने वाला हूँ यहाँ। अरे ये तो कोल जनरेटर है, कोल जनरेटर नहीं लगाने भाई, ये लगाना है हमें यहाँ पे ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। इस तो भाई यहाँ से कोल जनरेटर अब हट चुके हैं, और मैं चाहूँ तो इनको इस तरीके से फिल कर सकता हूँ फिलहाल के लिए तो। और अभी मैं इनको दे देता हूँ भाई एनर्जी, चलो इनको एनर्जी दे देते हैं भाई। केबल तो मेरे पास है ही, चढ़ जा भाई, ठीक है। ये आई केबल, एक को तो चली गई एनर्जी, अब बाकी को भी दे देता हूँ गाइस। तो इन दो को भी देनी पड़ेगी, अब मुझे लगता है केबल मेरे पास कम रहेगी या काम हो जाएगा। चलो काम हो गया गाइस, और एक केबल बच भी गई भाई हमारी। और अभी देखते हैं इनको पावर मिल रही है क्या नहीं मिल रही है। तो पावर गाइस इनको पूरी पूरी मिल रही है भाई, और इसमें भी पावर आ गई है, और इसमें भी पावर है, इसमें भी पावर है, और इसमें भी पावर है। तो भाई मतलब पावर का जुगाड़ तो अपना हो गया है बहुत ही बढ़िया वाला, बस अब इसके अंदर गाइस हमें यूरेनियम का जुगाड़ करना हो एक रहेगा। वैसे मुझे लगता है ये इतना जल्दी यूरेनियम नहीं खर्च करता है, बहुत ही कम खर्च कर रहा है, और अच्छा खासा देखो अभी तक सिर्फ इसने 4-5 यूरेनियम खर्च किया है, और ये बहुत सही चल रहा है। और हम इसको चाहे तो ऑफलाइन कर सकते हैं, बाकी ये जितनी एनर्जी इसने बनाई है वो जब तक यूज़ होएगी, जब तक हम इसको बंद कर सकते हैं तो हमारा ये जो यूरेनियम है ये यूज़ नहीं करेगा। और बाद में फिर इसको हम चाहे तो भाई
ओके कर सकते हैं। और वेस्ट में क्या निकल रहा है? वेस्ट में अभी तक कुछ नहीं निकला है। ठीक है भाई, देखेंगे भाई। वेस्ट इजेक्ट, चाहे तो हम अपने रिएक्टर को बड़ा भी कर सकते हैं इन फ्यूचर चाहे तो। फिलहाल इसके अंदर भाई बहुत सारा यूरेनियम बन रहा है और ये भाई डबल कर रहा है यूरेनियम को, और ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। तो वहाँ से डस्ट बना के यहाँ पे मैं फटाफट से इसको डबल कर लूँगा और ये बहुत ही जल्दी हो जाएगा यार। मतलब ये वाले फर्नेस बहुत ओपी हैं यार। मैं चाहूँ तो यार इनको ऑटोमेटिक भी कर सकता हूँ और मैं करूँगा भी यही भाई, मैं इनको ऑटोमेटिक कर दूँगा बहुत जल्दी, क्योंकि भाई ये बहुत ही बीस्ट हैं यार सच बताऊँ तो। और इन ओर का भाई मैं करने वाला हूँ सीधा डबल, क्योंकि अपने को यार डबल ही तो करना है इनको। निकल भी देखो कितना सारा मेरे पास, ओके सिल्वर भी बहुत सारा है। कोई नहीं भाई, इनको डबल कर लेते हैं अपन, और ये यहाँ पे भाई होते रहेंगे और यहाँ से ये डबल हो जाएंगे। सही है यार, चलो बाकी को यहाँ रख देता हूँ मैं। यार वैसे मैं चाहता हूँ कि मेरे को ना एक ऑटोमेटिक, एक ऐसी चीज़ मिल जाए ऑटोमेटिक, जिससे कि मतलब मैं अपने आप ही फटाफट से मेरे लिए माइनिंग हो जाए यार। मतलब मुझे ना जाना पड़े बार बार माइनिंग करने के लिए, मुझे ऐसी ही कोई एक चीज़ चाहिए। चलो देखते हैं, अगर ऐसी कुछ एक चीज़ इसमें हुई तो डेफिनेटली हम करते हैं उसका भी जुगाड़। फिलहाल के लिए तो भाई मैं यूरेनियम इसके अंदर डाल देता हूँ और भाई ये पावर बनाना शुरू करेगा। बस मुझे इसको कभी कभार चेक करते रहना होए करेगा कि भाई इसका फ्यूल हीट और इसका केस हीट जो है वो नॉर्मल ही रहे, ज़्यादा हाई फाई ना हो, तो इससे बढ़िया रहेगा भाई। मतलब इससे थोड़ा बैलेंस में रहेगा। ओके गाइस, बार्बरीन्स अटैक हुआ है भाई हमारे गांव पे वापस से, और इस बार्बरीन अटैक्स को मैं भाई झेलूंगा नहीं। मैं उन बार्बरीन्स को अभी मार करके आता हूँ फटाफट से, क्योंकि यार आई डोंट नो ये बार्बरीन्स अटैक भाई बार बार हो जाता है हमारे गांव पे यार। देखना पड़ेगा कहाँ पे है ये बार्बरीन्स, क्योंकि मैंने भाई देखो चारों तरफ से फैंस तो लगाई हुई है, अभी इतना जल्दी नहीं घुस पाएंगे हमारे गाँव में बस। लेकिन कहीं कहीं पर फैंस लगी नहीं है, जैसे यहाँ पर फैंस नहीं लगी है अभी इस साइड। तो कहाँ के साइड से आ रहे हैं ये फायर पिट, कहाँ से आई यार? पहले तो नहीं थी ये फायर पिट यहाँ पे। ओके तो ये इन्होंने ही लगाई है यहाँ पे फायर पिट। ठीक है भाई आ जाओ। अरे भाई साहब आई विल बी बैक, तो बाद में करियो भाई। इतना आसान होता है इनको मारना, और ये फायर पिट मतलब ये फायर पिट इनका निशान होता है क्या? यहाँ पे होती है। इस बार इनने मेरे को चेन मेल लैगिंग दी है। ठीक है भाई, इतनी घटिया चीज़ इनने मेरे को इस बार ड्रॉप करी है, बट मेरे को चाहिए नहीं है। चलो कोई नहीं, इसको फिर भी मैं रख ही देता हूँ यार, कभी ना कभी कुछ ना कुछ चीज़ काम आ ही जाती है हमारे को। चलो गाइस, तो यार मुझे 20 का भी देखना पड़ेगा यार, ये चीज़ मेरे को ऑटोमेटिक करनी है, क्योंकि यार देखो मैं कब तक ऐसे हाथ से उठा उठा के यहाँ पे डालता रहूँगा यार, मुझे इसको ऑटोमेटिक करना ही पड़ेगा। तो इसको भी देखते यार, इसको भी ऑटोमेटिक करते हैं अपन, ताकि हमारा सारा सामान डायरेक्ट इसके अंदर आए क्राफ्टिंग ग्रिड के अंदर। चलो यार गाइस, फिलहाल तो भाई हम कुछ बढ़िया सी चीज़ करते हैं आज अपने वर्ल्ड में। ये देखो गाइस, एक्सपी लिक्विड देखो कितना ज़्यादा भर गया है भाई, 35,000 MB एसेंस इसमें भर चुका है। और ये चीज़ें देखो, ओहो भाई साहब ब्लेज रोड तो देखो कितने सारे हो गए हमारे पास, और अब इसमें कोल भी बहुत सारा बचा हुआ है फिलहाल तो। और यार अभी मैं इसका अटैक डैमेज भी नहीं बढ़ा रहा हूँ, अभी 1,000 बचा हुआ है, 1,000 पे रोका हुआ है मैंने इसका अटैक डैमेज, क्योंकि गाइज यार अभी अपने को ज़रूरत नहीं है यार। और एक चीज़ और अगर मैं आपको दिखाऊँ ना गाइज, मैं एंजल रिंग बनाना चाहता हूँ यार। ये एंजल रिंग हमारा एकमात्र अब सपना रहेगा, मतलब सपना क्या यार, मतलब इसको बनाना है यार अपने को। सबसे पहले तो भाई टेरा स्टील इनगट ही चाहिए होंगे अपने को, और भाई देखो गाया स्पिरिट तो अपने पास आ गई है, क्योंकि अपन ने एक गाया बॉस को मार लिया था। बट एंजल रिंग के लिए यार दो चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैंने वो इकट्ठी भी कर ली है। देखो ये यूरेनियम अनऑप्टेनियम ब्लॉक और वाइब्रेंट ब्लॉक और ऑल द मोडियम ब्लॉक। ऑल द मोडियम मेरे पास ख़त्म हो गया है, क्योंकि मेरे पास शायद एक ही ब्लॉक था ऑल द मोडियम का, मैं एक बार देख लेता हूँ। देखो वाइब्रेनियम और मेरे पास 11 है, और अनऑप्टेनियम और मेरे पास 17 है। मतलब अनऑप्टेनियम और वाइब्रेनियम तो हो गया है जुगाड़, इन दोनों का तो हो गया। अब ये ऑल द मोड देखना है मुझे, ऑल द मोड मेरे पास यार, ऑल द मोड का एक ही और है मेरे पास। इसमें है क्या ऑल द मोड? नहीं इसमें भी नहीं है, इसमें तो यूरेनियम ही है। ऑल द मोडियम का जुगाड़ करना पड़ेगा अपने को भाई थोड़ा सा, या इसके अंदर पड़ा है ऑल द मोडियम। अरे 5 पड़ा है भाई,
और तीन ये है, 5, 6, 7 यार फिर भी नहीं हो पाएगा भाई। ओके मेरे पास ऑल द मोडियम साइट है भाई, तो इससे मैं ले सकता हूँ ऑल द मोडियम, नॉट बैड। चलो देखते हैं ऑल द मोडियम अपने को मिलता है कि नहीं मिलता, ओशन में मिलता है ना वो। ये रहा मेरा नाइट विजन चार्म, क्योंकि भाई पानी में तो नाइट विजन से ज़्यादा बढ़िया दिखाई देता है। यस बॉयस, चलो एक तो मिला कम से कम, थोड़ा सा और मिल जाए अपने को तो बात बन जाए भाई। चलो ढूंढते हैं थोड़ा सा और, ये रहा एक नीचे, एक से ज़्यादा है वैसे देखा जाए तो, एक ये रहा, मिल रहा है। अरे यार मैं कैसे भूल गया भाई, ये सिर्फ और सिर्फ गलत पिकैक्स से निकाल लिया मैंने यार, शिट मैन, दोनों मिले और दोनों के दोनों ख़राब हो गए। चलो कोई नहीं, माइनिंग गैजेट से अब हम इसको निकालेंगे, माइनिंग गैजेट से ये हमें मिल जाएगा, ठीक है माइनिंग गैजेट से तो मिल ही जाएगा भाई, नाइस। वैसे यार ये माइनिंग डायमेंशन में ज़्यादा मिल जाते हैं अपने को। चलो अभी घर निकलते हैं पहले तो। गाइस आई एम बैक टू द होम, और भाई मैं इनको डबल कर लूँगा है ना, बाकी की चीज़ें मैं रख देता हूँ भाई इसके अंदर फालतू की चीज़ें। चलो इस ऑल द मोडियम को मैं डबल करूँगा इसके अंदर से। चलो पहले इसी को ही करके देखते हैं ना, शायद क्या पता अपना एंजल रिंग अभी बन जाए तो भाई अपने को जो है भाई जेट पैक से थोड़ा निजाज मिल जाएगा यार। आई थिंक डबल तो बनने चाहिए यार, एक से दो तो बनने चाहिए। ओके दो बन रहे हैं भाई, जी जी बॉयस दो बन रहे हैं भाई। यहाँ पे ये डाल देता हूँ, यहाँ पे ये डाल देता हूँ, यहाँ पे ये डाल देता हूँ, मतलब सब चीज़ें होती रहनी चाहिए ना भाई, कुछ चीज़ रुकनी नहीं चाहिए अपनी। यहाँ पे हो जाएगा अपना भाई यूरेनियम इनगट, और यहाँ पे ऑल द मोडियम इनगट, और यहाँ पे अपना प्लैटिनम। तो देखते यार आज अगर हम एंजल रिंग बना पाए तो थोड़ा सा भाई यहाँ से अनोप्टेमियम और वाइब्रेनियम ये ले लेते हैं, पहले इसको करते हैं डबल। पहले यार मैं देख लूँ ये डबल होता भी है क्या नहीं होता है ना, चलो देखता हूँ। अगर ये डबल हुआ तो डेफिनेटली काम हो जाएगा अपना भाई, अगर डबल नहीं हुआ तो फिर इसको सिंपल ही करेंगे अपन। वाइब्रेनियम ओ भाई ये डबल हो रहा है, होली मोली बॉयस। ओके भाई ये डबल हो रहा है भाई, अब तो बात ही बन जाएगी भाई, अब तो मजा ही आ जाएगा भाई, डबल हो रहा है यार ये। चलो भाई जब तक ये डबल होते हैं गाइस, जब तक हम थोड़ा और भी काम निपटा लेते हैं, जैसे कि हम बाकी की चीजें इकट्ठा करते हैं एंजल रिंग की। जैसे कि भाई ये है वो एंजल रिंग जो बनानी है अपने को, यानी कि अपने को दो पिक्सी डस्ट चाहिए, दो नेदर स्टार चाहिए होंगे, और एक चाहिए गाया स्पिरिट। तो गाया स्पिरिट तो मेरे पास यहाँ पे है, तो इसमें से हमें चार चाहिए होंगी और दो नेदर स्टार चाहिए होंगे, और क्या चाहिए था भाई देख लेता हूँ, और चाहिए था अपने को सबसे पहले तो ये बनाना पड़ेगा अपने को एक गाया स्पिरिट, और ये जो टेरा स्टील इनगट कितना है मेरे पास देख लेता हूँ, टेरा एक ही है व्हाट, अबे भाई ये तो एक ही है मेरे पास टेरा स्टील इनगट तो, रुको जरा एक मिनट इसको। और यार ये पिक्सी डस्ट भी चाहिए मुझे, पिक्सी डस्ट पड़ी है क्या मेरे पास, एक ही पड़ी है मेरे पास पिक्सी डस्ट, बट ये दो चाहिए, तो ये पल से बन जाती है ना पल मेरे पास, चलो एक पल आ जाएगा एक से बना लूँगा। और चाहिए भाई अपने को ब्लॉक ऑफ टेरा स्टील इनगट, भाई साहब ये जो चीज़ है ना ये अब मुश्किल होने वाली है, मान स्टील इनगट चाहिए, पल चाहिए और ये डायमंड चाहिए भाई। चलो भाई पर्ल निकालो सारे के सारे, डायमंड भी निकालो सारे के सारे। चलो एक छोटा सा मैथ लगाते हैं, देखो एक टेरा स्टील इनगट बनने में लगते हैं भाई एक मान स्टील इनगट और एक डायमंड और एक पर्ल, ठीक है ये तीन चीज़ों मिला के एक एक टेरा स्टील इनगट बनता है, तो 9 को 3 से गुना करना पड़ेगा, 9 * 9 = 9 * 8 = 27। यार सच बताऊं तो गाइस मुझे नहीं पता किस तरीके से कितने बनेंगे, तो भाई जितने बनेंगे मैं बना लूँगा, छोड़ो भाई मेरी मैथ बहुत ख़राब है। चार डायमंड के ब्लॉक चाहिए होंगे, 1, 2, 3, 4 ठीक है भाई, एक इलाइट्रा चाहिए होगी, नेदर राइट का ब्लॉक बनेगा, ओके दो नेदर राइट कम है मेरे पास, मेरे पास थोड़ा सा नेदर राइट, एक मिनट मैं स्क्रैप लेके आया था ना शायद मैंने वो यूज़ कर लिया था यार, मुझे थोड़ा नेदर राइट भी लेके आना पड़ेगा भाई, चलो कोई ना लेके आएंगे भाई अभी। तो भाई अनऑप्टेनियम तो आप मेरे पास आ गया है 34,
और वाइब्रेनियम हमारा बन रहा है भाई। कितनी सारी चीज़ें हो गई मेरे इन्वेंट्री में, बाकी नेदरराइट की कमी पड़ेगी गाइस। ये नेदरराइट तो अपने को लाना ही पड़ेगा, क्योंकि नेदरराइट, दो नेदरराइट कम है मेरे पास। अनऑब्टेनियन और यहाँ पे आ गया वाइब्रेनियम, तो ये आ गया अनऑब्टेनियम का ब्लॉक, और ये आ गया भाई आपका वाइब्रेनियम का ब्लॉक। ठीक है भाई, वैसे यार मैं इनकी बीज भी बना सकता हूँ अब, क्योंकि मेरे पास थोड़ा एक्स्ट्रा भी है। चलो देखेंगे भाई, बाकी मेरे पास जो मेन मेन चीज़ है वो तो आ गई है। तो भाई देखो, ये एक चीज़ बनाने के लिए, यानी कि डायमंड रिंग बनाने के लिए बस नेदर राइट की कमी पड़ रही है। चलो हम ऐसा करते हैं, नेदर में चलते हैं और मैं माइनिंग गैजेट से ही ढूंढ लूँगा, अगर मिल जाएगी तो, अगर किस्मत रही तो डेफिनेटली मिलेगी अपने को नेदर राइट। सो गाइज यार, मैं काफ़ी सारा एरिया जो है तोड़ चुका हूँ भाई, और मेरे को ऑलमोस्ट देख लेता हूँ, मेरे को ऑलमोस्ट गाइज 18 एंसेंट डेब्रिस मिल चुके हैं। तो भाई इतने काफ़ी है यार, अभी निकलते सीधा घर की तरफ, और अपना काम तो हो ही गया। वैसे अपने को इतने नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मिल गए तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, काम आ जाएंगे। तो फिलहाल घर निकलते हैं और अब बना लेते हैं भाई नेदर राइट, और इससे अब हमारी बनेगी अगली चीज़। चलो यहाँ से निकलते हैं अब घर की तरफ। और भाई मुझे सच में नहीं पता ये इनकी फाइट क्यों हो रही है भाई, देखियो होली क्रैप गाइस, पिगलेंस और आयरन गोलम का महायुद्ध देखने को मिल रहा है यहाँ पे भाई। चलो सही है भाई, जो भी है फाइट हो रही है इनकी यहाँ पे बेमतलब की। चलो गाइस, मैं भाई डैंक में से निकाल लेता हूँ और इसका ऑटो पिकअप जो है बंद कर देता हूँ। 18 एंसेंट डेब्रिस, इजी पीजी। और एंसेंट डेब्रिस को शायद मैं डबल नहीं कर सकता हूँ, तो इसका स्क्रैप कर लेते हैं भाई। और ये एक्सपेरिमेंट मेरे को करना भी नहीं है, क्योंकि फालतू में मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो। चलो नेदर राइट स्क्रैप मिल गया मुझे, अब गोल्ड को और इनको मिलाएंगे हम, तो शायद अपने को मिल जाएगा नेदर राइट। बट कैसे मिलाना पड़ता था ऐसे, ओके ठीक है भाई आ गया। ओके गाइस, अब हमारा ब्लॉक बन जाएगा नेदर राइट ब्लॉक। ठीक है भाई, एक नेदर राइट ब्लॉक बन गया। अब हमारी जो है भाई डायमंड रिंग बन जाएगी, लेट्स गो बॉयज। डायमंड रिंग हमारी बन चुकी है गाइस, अब जो है हमें भाई ये चीज़ बनानी है सिर्फ एंजल रिंग। और इसके लिए भाई ऑलमोस्ट काफ़ी सारा सामान तो मेरे पास है भाई, नेदर राइट और ये भाई नेदर ब्लॉक। बस अपने को जो है भाई ब्लॉक बनाना है, और ब्लॉक हम बना ही लेंगे भाई, लेट्स गो। टेरा स्टील इनगट के ब्लॉक बनाने हैं, मतलब बहुत सारा माना यूज़ होने वाला है अभी अपना। फिलहाल यार अपने पास अपग्रेड वर्जन है, तो अपने को टेरा स्टील इनगट बनाने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है भाई, सबसे पहले तो यहाँ पे हम डायमंड को कन्वर्ट कर लेते हैं, लेट्स गो। और इनगट भी बना लेते हैं, 1 पर्ल भी बना लेते हैं। और 1 पर्ल का हमें बनाना पड़ेगा भाई पिक्सी डस्ट। तो भाई पिक्सी डस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, ओके। तो हम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक हैं अपनी चीज़ के, और मुझे थोड़े पर्ल भी चाहिए होंगे। तो यार जब तक ये बनते हैं ना, मैं पर्ल भी इकट्ठे कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को काफ़ी सारे पर्ल चाहिए होंगे। 27 27। सो गाइस, 2 टेरा स्टील इनगट हमारे पास हो गए हैं। इसी तरीके से 9 1 9 9 2 18 9 3 27 27 चाहिए मुझे भाई, 27 बनाने पड़ेंगे ये मुझे। होली मोली गाइस, यार एंजल रिंग बनाना इतना आसान नहीं है यार, वैसे देखा जाए तो टफ है काफ़ी, पता नहीं लोग बाग कैसे बना लेते हैं यार। तो गाइस 9 टेरा स्टील इनगट हो गए हैं मेरे पास, बस मेरे को 27 बनाने हैं जल्दी ही, मतलब एक ब्लॉक तो हमारा बन जाएगा भाई। यार सबसे बड़ी दिक्कत इसकी पता क्या लग रहा है इस, मेरे को ये बहुत टाइम लग रहा है बनाने में यार इसको, मतलब एक को बनाने में भी इतना टाइम लगता है। इसका कोई और इजी तरीका नहीं है क्या? इसका कोई और इजी तरीका नहीं है गाइस, ये इसी तरीके से बनेंगे। फिलहाल 13 तो बन चुके हैं, इसी बात पे 16 तो बन चुके हैं भाई, बस 11 और बनाने हैं फिर बात हो जाएगी अपनी, बात बन जाएगी मतलब। अच्छा हुआ भाई मैंने 4 4 पूल लगाए हुए हैं भाई, क्योंकि ये एक टेरा स्टील बनने में भाई आधा पूल खर्च हो जाता है भाई। और गाइस एक बना लेता हूँ मैं एक्स्ट्रा,
क्योंकि 11-27 तो अपने पास बन चुके हैं, अब ये लास्ट एक एक्स्ट्रा बना लेता हूँ मैं इन केस ऑफ एमरजेंसी भाई। बाकी गाइस मेरे पूल जो है ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए हैं, तो इसको बनने में थोड़ा टाइम लग रहा है, पता नहीं बन भी पाएगा या नहीं बन पाएगा, देख लेता हूँ। ओके पूल सारे के सारे ख़त्म हो चुके हैं भाई। चलो वैसे जनरेट तो हो रहा है धीरे धीरे, बट क्या वो लास्ट इनगट बन पाएगा देखना रहेगा यार, वैसे बन जाना चाहिए यार। मुझे लगता नहीं है लास्ट इनगट बनेगा। चलो कोई नहीं, कितने सही टाइम पे ख़त्म हुआ गाइस मेरा माना, आई एम सो लक्की। चलो सो जाते हैं पहले तो, मॉन्स्टर नियर बाई, सो नहीं सकते, चलो कोई बात नहीं गाइस। अभी फ़िलहाल के लिए अपने को 3 ब्लॉक चाहिए टेरा इनगट के। चलो भाई टेरा स्टील इनगट के 3 ब्लॉक अपने पास आ गए हैं, अब बन जाएगी क्या हमारी एंजल रिंग। ऐसा करते हैं गाइस इसको ना मैनुअली बनाते हैं, क्योंकि भाई इसको बनाने में ना भाई बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, इसको मैनुअल बनाने में कितना मज़ा आ रहा है। एंड लास्ट नॉट लीस्ट एंजल रिंग, हैव वी गो बॉयज, एंजल रिंग हियर। तो भाई एंजल रिंग हमारे पास आ गई है, क्या हम इसको कुछ डेकोरेटिव कर सकते हैं? चलो इसको डेकोरेटिव तो शायद नहीं कर सकते, मतलब इसको मॉडिफाइड नहीं कर सकते आप। और अब पहनते हैं एंजल रिंग और इसको हटाओ और यहाँ जेट पैक को लगाओ इस तरीके से, और मैं अपना सूट उतारता हूँ और सूट पहनता हूँ और इसको लगा देता हूँ यहाँ पे। एंड फाइनली गाइस द एंजल रिंग इज हेयर, ऐसे करके क्रिएटिव फ्लाइट बॉयज, फाइनली आई हैव क्रिएटिव फ्लाइट, लेट्स गो भाई साहब। सो गाइस कैसा लगा आप लोगों को आज का एपिसोड? हाँ हालांकि थोड़ा सा क्राफ्टिंग से भरा हुआ था। और ये चचा भाई अपनी दुकान छोड़ के इस तरफ मुंह क्यों करके खड़े हुए हैं भाई, क्या मैं जान सकता हूँ? अच्छा हमने इनसे काफी टाइम से कुछ खरीदा नहीं है तो इसलिए मुंह फेर के खड़े हुए हैं। चलो कोई नहीं गाइस, डबल स्पेस करने से भाई आप क्रिएटिव फ्लाइट्स में आ जाते हो, मतलब क्रिएटिव मोड की तरह चलने लगते हो। और भाई इसमें काफी ज्यादा एनर्जी आ गई है और ये तो फिलहाल चलता ही रहेगा गाइस। एंड आई होप कि यार आप लोगों को आज मजा आया होगा, अगर मजा नहीं आया तो भाई कुछ कह नहीं सकते। अगर जिन लोगों को मजा आया तो लाइक कीजिए ऐसे ही रेगुलर वीडियोस के लिए, सीरीज के लिए। हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, और नेक्स्ट एपिसोड में गाइज हम एक बहुत ही तगड़ी चीज करने वाले हैं, कुछ जादू टोना भी करने वाले हैं गाइज हम, मतलब इतना टेक्नोलॉजी में बढ़ने के बावजूद हम ऐसा कुछ करने वाले हैं। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गाइज बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड, एंड एज ऑलवेज चाओ चाओ।